सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है रुद्र और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RS Edits। दोस्तों प्रीव्यू में जैसे कि अभी आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, उस टाइप का वीडियो क्रिएट करना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच करिएगा। कहे कि इस वीडियो में आपका भाई पूरा ईजी स्टेप में आप लोग को बताने का कोशिश किया है कि आप लोग उस प्रकार का वीडियो क्रिएट कैसे करना है। दोस्तों उस प्रकार का वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आप लोग के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग कैपकट एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो क्रिएट करने के लिए मटेरियल का यूज किया हूं वो सब आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले एक वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे हम वीपीएन को कनेक्ट कर चुके हैं, आप कोई भी वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हैं। वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन पर टैप करके इसको ओपन करना पड़ेगा। उसके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टैप करना पड़ेगा, वीडियोस वाले सेक्शन पे चल जाएगा, 5 सेकंड का एक वीडियो होगा, उस 5 सेकंड वाले वीडियो को आप लोगों को यहां पे सेट कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपका लास्ट में कैपकट का यहां पे वाटरमार्क देखने को मिल रहा है, तो इस वाटरमार्क पर टैप करके इसको यहां से डिलीट कर देना पड़ेगा। फिर से प्लस वाले आइकन पे आ जाइएगा, फोटोज वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे आप लोग को 4 फोटोज को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। चारों फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा, जो फोटो आपका सही से एडजस्ट नहीं हुआ होगा उस पे आप लोग को टैप करके दोनों उंगली से कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, जैसे अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं कुछ सेम उसी प्रकार से। उसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। 9 सेकंड का आप लोग को एक वीडियो दिया गया तो उस 9 सेकंड वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इम्पोर्ट साउंड ऑनली पे टैप कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका साउंड आ जाएगा। साउंड को लाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फोटोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले फोटो पर टैप करिएगा, इसका ड्यूरेशन रखिएगा 1.2 सेकंड तक। सेकंड नंबर वाले फोटो पर टैप करिएगा, इसका ड्यूरेशन रखिएगा 1 सेकंड तक। एंड थर्ड वाले जो फोटो है उस पर टैप करिएगा, इसका ड्यूरेशन भी रखिएगा 1 सेकंड तक। एंड लास्ट वाला जो आपका फोर्थ वाला फोटो होगा उसका ड्यूरेशन आप लोग रखिएगा 1.3 सेकंड तक। तो इतना करने के बाद आप लोग को इसमें अब एनिमेशन सबको यानी इफेक्ट सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऐड करने से पहले आप लोग को इस पर टैप करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार का लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे ट्रांजिशन सब ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे ये सब ट्रांजिशन सब ओपन होके आ जाएगा। तो इधर साइड स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार का एक सेक करके ट्रांजिशन दिख रहा होगा, तो इस पे आप लोग टैप कर लीजिएगा, अप्लाई टू ऑल पे टैप करके स्टिक मार्क वाले आइकन पे टैप कर लीजिएगा। उसके बाद जहां से आपका फोटो सब स्टार्ट हो रहा उस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, फिर यहाँ से बैक होइएगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आइएगा, वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा। ट्रेंडिंग में आप लोग को एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है यहाँ से सेक, इस सेक वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। इसका स्पीड को रखिएगा यहाँ पे आप 40 तक, एंड इसका इंसेटी जो है इसको यहाँ पे आप लोग 15 तक रख के यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके टिक मार्क वाले आइकन पे टैप कर लीजिएगा, एंड जहां तक आपका ये वीडियो होगा उसको यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आप लोग को इस वाले यही पॉइंट पे आना पड़ेगा, वीडियो इफेक्ट पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को ब्लैक फ्लैश 2 करके एक एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप लोग टैप कर लीजिएगा, टिक मार्क वाले आइकन पे टैप कर लीजिएगा, उसके फिर इसको खींच के यहाँ तक कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर से आप लोग को इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, उसके बाद फिर से यहाँ से आप लोग को वीडियो इफेक्ट पे ही आना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग हल्का से स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को बाय द फायर प्लेस करके आप लोग को एनिमेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप लोग वो एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगा तो इधर साइड स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार का एक स्पार्क वाला ऑप्शन दिखेगा, स्पार्क वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा तो यहाँ पे नीचे में बाय द फायर प्लेस आप लोग को दिख रहा होगा, इस पे टैप करके टिक मार्क वाले आइकन पे टैप करके इसको भी पूरे लास्ट तक आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग का वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर में आप लोग को एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पे आप लोग टैप करिएगा, यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा और ये वीडियो आपके गैलरी में डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।